दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एलपीएम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है और फर्स्ट ईयर का वैसे कोर्स बनाता है लेकिन आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और रिटर्न टेस्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आज का जो चैप्टर होने वाला है। आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो होगी कैटल हाउसिंग के बारे में कि हाउस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग क्यों की जा रही है, कैसे एनिमल्स की हम हाउसिंग बनाते हैं और किन किन टाइप्स की जो है हाउसिंग रहती है, क्या स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक एनिमल के हिसाब से क्या आउटलेट रहेगा। ये क्वेश्चन से एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि कभी कभी आरपीएससी में जो है आपको कागज़ और पेन दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कोई पशुपालक आपके पास आया है और आप जो है उसे शेड का जो है वो आउटलाइन बना के जो है उसको दें। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है पहले तो आप बिल्कुल आरपीएससी में जब आपका इंटरव्यू ऑन गोइंग है तो आप जो है वो आउटलाइन बिल्कुल बना नहीं पाते कि आप मेंजर कहाँ बनाएंगे और क्या हाइट रखेंगे, कितना स्पेस देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए बढ़ जाती है। मेरे टाइम भी ये क्वेश्चन जो है दो तीन लोगों को पूछा गया कि आप कैटल शेड की डिज़ाइन बनाएं या पोल्ट्री फार्म की डिज़ाइन बनाएं। तो एक ये इम्पोर्टेंस जो है आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डेंटिशन और एजिंग के बारे में कि आप केटल और बफेलो के केस में जो है जब आप जानवर को ख़रीद रहे हैं या ख़रीदने के समय जो बहुत ज़्यादा धांधली होती है, जो बेचने वाला होता है वो उसकी एज को कम बताना चाहता है, जितनी उम्र उसकी है जानवर की उससे कम बताने की कोशिश रहती है, तो एग्जैक्ट आप जो है एज ए वेटनरियन कैसे जो है उस एनिमल की एज को डिसाइड करेंगे और उसके आधार पे जो है उसकी वैल्यू का निर्धारण जो है वो किया जाएगा और जो है सही आकलन करने के लिए आपको एजिंग जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है। पशु मेले में वेटनरियंस को ये बड़ा इम्पोर्टेंस डेंटिशन के आधार पर निभाना होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यंग वंस की अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न काफ पैदा हुआ है, उसके बारे में क्या क्या बेसिकली चीज़ें हैं और क्या उसका मैनेजमेंटल फैक्टर होगा, क्योंकि अगर काफ अगर आपका अच्छा होगा तो हर्ड भी जो है जब आपका तैयार होगा उन काफ से तो वो भी उत्तम क्वालिटी का होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो साथ में जुड़े हैं तो एक बार उन सबका नमस्कार कर लेते हैं। दोस्तों ओम प्रकाश जी हैं मेरे साथ, सबसे पहले जय जिनेंद्र सत्य जय जिनेंद्र, डॉक्टर जगदीश गुजर हैं गुड इवनिंग बॉस गुड इवनिंग, हरेंद्र जी हमारे साथ हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग, हमारा गुड इवनिंग सर जी, हिमांशु जी हैं गुड इवनिंग सर, अंकित जी हमारे साथ हैं, जगदीश गुजर आप तो हमारे लिए जो आरपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको करवा चौथ के चांस से भी ज़्यादा कारगर हो रहे हो बॉस। अरे नहीं ये तो बड़ी बात है ये ऐसे कमेंट जो होते हैं वो काफ़ी हिम्मत बढ़ाते हैं मेरी भी मेहनत करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मंजू जी हमारे साथ है, बाबूलाल चौधरी जी हैं गुड इवनिंग बॉस गुड इवनिंग, दीपिका जैन जी हैं हाय हाय, एंड जितिन शर्मा जी हमारे साथ गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग, अनार रावत यूथ की आवाज़ नरसिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत शानदार काम कार्य कर रहे हो जी, बिल्कुल नरसिंह आपकी दुआएँ हैं तो काम हो रहा है। जम्मू जी हमारे साथ हेमंत जी हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग, लेमन ब्रो जी हैं गुड इवनिंग, दीपा जी गुड इवनिंग, और अनार रावत जी का वापस कमेंट है बॉस गुड वर्किंग बिल्कुल गुड वर्किंग, सुनील सेकावत जी हमारे साथ हैं अप्रिशिएट वर्क सर जी अप्रिशिएट थैंक यू धन्यवाद, और ललित कुमार जी हैं विश्वास जी हैं दोनों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो आप सभी की ये दुआएं जो हैं वो लगातार इम्पैक्ट डालती है और मुझे भी जो है थोड़ा सा मेहनत करने के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर लेते हैं कि आखिर हाउसिंग की ज़रूरत क्या है। तो ये हाउसिंग जैसे इंसानों को जरूरत पड़ती है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम जो चीज़ें होती है उससे एनिमल को जो है वो बचाव करता है। तो जैसे एक्सट्रीम जैसे सनबर्न गर्मी के जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो उससे बचाएगा, सर्द बरसात में रेन से बचाएगा, हॉट और कोल्ड विंड से बचाएगा, सर्दी के दिनों में ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है तो उससे बचाएगा। तो जब भी हार्ड वेदर वहाँ कंडीशन है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो हाउसिंग जो है उसको बचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा क्लीन और कंफर्टेबल शेल्टर जो है ये जानवर को हमेशा मिलेगा, जानवर जो कम्फर्ट हाउसिंग रहेगी ज़्यादा अच्छे से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे,
और जो प्रोडक्शन होगा वो भी जो है अच्छे से हो पाएगा। इनपुट आपके इकोनॉमिक पैसे के केस में हो सकता है, लेबर के केस में हो सकता है, तो आप जो भी इनपुट लगा रहे हैं टाइमिंग, तो आप जो भी इनपुट लगा रहे हैं समय दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं या इकोनॉमिक पैसा लगा रहे हैं, वो कुल मिला के आपको कम करना और आउटपुट इन टर्म्स ऑफ उत्पादन, चाहे आप मिल्क का उत्पादन ले रहे हैं, चाहे मीट का ले रहे हैं, चाहे अंडों का ले रहे हैं, चाहे आप ऊन का उत्पादन ले रहे हैं, तो वो जो उत्पादन मिल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए और इनपुट जो है वो कम होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके आधार पे हाउसिंग है, तो हाउसिंग जब आप अच्छे से हाउसिंग तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कम मैनेज अच्छा मैनेजमेंट होने से के कारण कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना रहती है। और वाइल्ड एनिमल और थेफ्ट से जो चोरी होने का जो डर रहता है वो भी, अगर प्रॉपर हाउसिंग है तो वो डर भी जो है उससे सुरक्षा मिलेगी, तो इसलिए हम हाउसिंग का निर्माण करते हैं। इसके बाद हाउसिंग की बात करें अगर हम, तो डिज़ाइन इंडिया में काफ़ी सारी देखने को मिलती है बेसिकली, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग एनवायरनमेंट बेसिकली देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ 8 से 10 महीने तक गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट रहता है। वहीं हिमालय रीजन की तरफ चले जाए तो वहाँ एक ठंड का असर रहता है। इसके अलावा पहाड़ी एरिया जहाँ रहते हैं, जहाँ हिलीज एरिया है, वहाँ पर अलग डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है हाउसिंग को, उस हिसाब से जो है जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे क्या होगा कि जो फीड इंटेक है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये जानवर समय पे हीट में आना, उसको आइडेंटिफाई करना और जानवर का कृत्रिम गर्भाधान करवाना या नेचुरल इंसेमिनेशन करवाना, तो ये अगर आपकी हाउसिंग अगर प्रॉपर है तो ये सब चीज़ें जो है वो होगी। तो तीन प्रकार के सिस्टम बेसिकली देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर एक लंबा घास का मैदान है, आज जानवर को यहाँ पर चराया है और 3 से 4 दिन हम यहाँ चला रहे हैं, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जगह जो है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, फिर वहाँ चराते हैं, वहाँ ग्रेजिंग करवाते हैं, उसके बाद जो है फिर जो हर्ड है उसको आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इनको बेसिकली ग्रास लैंड पे रखा जाता है और हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, जानवर को ओपन प्लेस पे रखा जाता है, ना वहाँ रूप होती है और ना ही कुछ और देखने को मिलता है। तो ये एक्सटेंसिव सिस्टम जहाँ बड़े बड़े ग्रास के लैंड हैं, 50-50 किलोमीटर ग्रासेज जहाँ देखने को मिलती है, वहाँ हम एक्सटेंसिव सिस्टम यूज करते हैं। इंडिया में बेसिकली ये सिस्टम जो है अब जो है, क्योंकि ग्रास सिस्टम है नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ग्रास लैंड यहाँ देखने को मिलेंगे नहीं, तो ये सिस्टम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद सेमी इंटेंसिव सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम बेसिकली हम डेयरी फार्म में तो थोड़ा सा कम काम में लेते हैं, शीप और गोट के केस में जो है हम काम में लेते हैं, जहाँ पर हम एनिमल को कन्फाइंड रखते हैं, चारों तरफ कोई जाली लगा के तारबंदी करके जहाँ एनिमल को रखा जाता है, लेकिन जो रूप होती है, जो छत होती है, वो बेसिकली वहाँ पर नहीं होती है। जैसे शीप और गोट के केस में हमको देखने को मिलता है, और एनिमल को जो है दिन के समय चराया जाता है और रात के समय जो आपने कन्फाइनमेंट बनाया, मतलब जो परिधि बनाई है, तारों की बाउंड्री बना सकते हैं आप या लकड़ी की बाउंड्री बना सकते हैं, तो वो जो या कच्ची कच्चे किसी चीज़ से, मिट्टी से आप जो है बाउंड्री बनाते हैं, तो वहाँ आप रखते हैं। और उस समय जब आप रख रहे हैं तो फिर उसको कंसनट्रेट जो बाटा जो खिलाना होता है वो उस दौरान जो है वो दिया जाता है। बेसिकली जानवर को जो है रखा जाता है ग्रेजिंग पर, कि वो ग्रेजिंग से ही अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर ले। तो ये सेमी इंटेंसिव बेसिकली हम गोट और शीप के केस में जो है वो यूज करते हैं। डक फार्मिंग है कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ भी सेमी इंटेंसिव ही काम में लेते हैं। जहाँ आप डक फार्मिंग आप देख रहे हैं कि एक पोंड वहाँ बना दिया गया और चारों तरफ तारों की बाउंड्री जो है वो बनाई गई, तो डक फार्मिंग में भी आप सेम इंटेंसिव सिस्टम काम में लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिव सिस्टम की, तो इंटेंसिव सिस्टम बेसिकली इंडिया में देखने को मिलता है। कैटल और बफेलो के केस में हम बात करें तो इंटेंसिव सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का बेसिकली होता है, लूज और कन्वेंशनल। तो लूज हाउसिंग वो होती है दोस्तों जहाँ एनिमल को 24 घंटे खुला रखा जाता है, उसको ना किसी रस्सी से बांधा जाता है, ना ही किसी साकल से या कन्वेंशनल जो चेन होती है लोहे की उससे बिल्कुल नहीं बांधा जाता है। 24 घंटे जानवर बिल्कुल खुला हुआ रहता है, एक्सेप्ट बस आप मिल्किंग के समय या जब उसको ट्रीटमेंट के जब किया जाता है तब बस उसको बांधा जाता है, इसके अलावा जो है 24 आवर जो है जानवर
लूज रहता है, इसलिए इसको लूज हाउसिंग कहा जाता है। और कन्वेंशनल हाउसिंग वो होती है जब जानवर जो जानवर को आप स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं, एक प्रॉपर हाउसिंग आपने बना ली है और जानवर वहाँ पर रह रहा है, और उसको स्टेन चेन या लोहे की चेन या साकल या कह सकते हैं कि आप रस्सी से 24 घंटे बांध के रख रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल हाउसिंग कहलाती है। इस ये जो सिस्टम होता है, ये जितने डेयरी फार्म आप देख रहे हैं इंडिया में, वहाँ बेसिकली देखने को मिलता है। लूज हाउसिंग जैसे कोई पशुपालक हम गांव में देख रहे हैं तो लूज हाउसिंग रखते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बाड़ा है और बाड़े के अंदर जानवर को खुला छोड़ा हुआ है, और केवल रस्सी से हम तब बांधते हैं तब जब हमें उसकी मिल्किंग करनी हो, दुवारी करनी हो या उसका ट्रीटमेंट करना हो। तो हमारे राजस्थान में बेसिकली हम लूज हाउसिंग जो है वो देखने को मिलती है हमें। हम जिस भी गांव में चल जाएं वहां पर लूज हाउसिंग देखने को मिलती है, और कन्वेंशनल हाउसिंग हम डेयरी फार्म की अगर विजिट कर रहे हैं तो हमें कन्वेंशनल हाउसिंग जो है वो देखने को मिलती है। और कन्वेंशनल हाउसिंग जो होती है ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है, सिंगल रो और डबल रो। तो सिंगल रो जो है ये जब आपके पास फार्म छोटा है, 10 से 15 जानवर आपके पास हैं, तो आप एक रो ही जो है वो बनाते हैं, तो वो सिंगल रो सिस्टम कहलाता है। यदि इससे ज़्यादा जानवर आपके पास हैं तो फिर वो जो है वो डबल रो सिस्टम जो है वो कहलाता है। और डबल रो सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें विश्वास ये है हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। चुन्नराम जी गुड इवनिंग। बस पवन पाटिल सर, कौन से हाउसिंग सिस्टम में बेस्ट प्रोडक्शन मिलता है? बिल्कुल अभी इसका भी कंपैरिजन हम करते हैं कि प्रियंका मीना जी जुड़े हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो डबल रो सिस्टम जो है वो टेल टू टेल और हेड टू हेड सिस्टम, ये दो प्रकार का होता है। टेल टू टेल सिस्टम वो होता है दोस्तों जब एक जानवर का जो टेल है वो दूसरे जानवर के टेल के सामने आ जाए, तो ये कहलाता है टेल टू टेल सिस्टम। और यदि एक जानवर का जो माउथ है, जो फेस है, वो दूसरे जानवर के, जो सामने वाला जानवर है उसके सामने अगर उसका हेड आ जाए, तो ये कहलाता है हेड टू हेड सिस्टम। अब दोस्तों दोनों में अगर कंपैरिजन करें कि लूज हाउसिंग मैंने बताया कि जो गांव में बेसिकली देखने को मिलता है, एक बाड़ा है और उसमें एक थोड़ा सा एरिया जो कवर किया गया है, वो चद्दर लगा के या कच्चा हाउस बना के जो है वो करा जाता है एक कॉर्नर में, उसके अलावा जानवर जो है वहाँ छुटा हुआ रहता है। तो आप लेबर सेविंग की बात करें तो ज़्यादा आप लेबर जो है इसमें कर सकते हैं। कंफर्टनेस की अगर बात करें तो कंफर्ट जानवर लूज हाउसिंग में ज़्यादा होगा, और कन्वेंशनल बांध में जब जानवर 24 घंटे बंधा रहता है तो वहाँ कंफर्टनेस जानवर को थोड़ा कम रहेगी। ये वही स्थिति है कि आप जानवर को ना तो एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, बस जानवर खड़ा हुआ एक जगह और फिर जो है वो वहीं पर चारा खा रहा है और वहीं पर जो है प्रोडक्शन उससे लिया जा रहा है। हेल्थ ऑफ एनिमल की बात करें कि ज़्यादा एनिमल किस में स्वस्थ रहेगा, तो लूज हाउसिंग में जो है एनिमल ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, नहीं कन्वेंशनल हाउसिंग में ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और लूज हाउसिंग जो है वो बेटर रहती है, लेकिन जो हेल्थ जो कंडीशन है वो कन्वेंशनल हाउसिंग, क्योंकि जानवर जो है एक दूसरे में रोग जो है वो नहीं फैला पाते हैं। और हीट डिटेक्शन की बात करें, क्योंकि इसमें जो होता है ईजियर होता है, क्योंकि जानवर जब खुला हुआ है तो जो जो उसके साथी जानवर है तो वहाँ पर जो है वो जो हीट माउंटिंग कर सकता है, माउंटिंग करके जो है हीट के लक्षण ज़्यादा इजीली शो कर सकता है लूज हाउसिंग में, जबकि कन्वेंशनल हाउसिंग में जानवर 24 घंटा बंधा रहता है तो वो हीट के लक्षण आराम से जो है शो नहीं कर सकता इतने ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सनलाइट जो है आसानी से जानवर को मिलेगी लूज हाउसिंग में, और कन्वेंशनल हाउसिंग में ज़्यादा नहीं मिलेगी। और क्लीननेस की बात करें, हाइजीन कंडीशन की बात करें, तो कन्वेंशनल हाउसिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर हाइजीन कंडीशन जो है लूज हाउसिंग में कम देखने को मिलती है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लूज हाउसिंग में जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो कम है, तो प्रोडक्शन जो है वो आपको लूज हाउसिंग में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप बात करें अच्छी हाउसिंग, अच्छे मैनेजमेंट की, तो आपको कन्वेंशनल हाउसिंग जो है वो, क्योंकि बड़े शहरों में जगह कम है तो वहाँ आप जब डेयरी फार्म बना रहे हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है कन्वेंशनल हाउसिंग। सबसे पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप साइट को देख रहे हैं कि आपको डेयरी फार्म लगाना है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले टोपोग्राफी और ड्रेनेज, कि आप जहाँ पर बना रहे हैं उसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पानी जो है ब्लॉक ना हो,
है ना, काली मिट्टी आपको ज़्यादा बारीक मिट्टी जो है, जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती और अपने अंदर ऊपर ही रखती है, नीचे ज़मीन में नहीं होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आसपास जितने खेत हैं वहाँ से थोड़ा सा आपकी जो ज़मीन है वो थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी, बारिश हुई थोड़ी सी और फिर जो है आसपास के खेत का पानी भी आपके डेयरी फार्म में आके इकट्ठा हो गया। और पानी अगर इकट्ठा अगर आपके डेयरी फार्म पे हो गया तो उससे काफ़ी सारे मक्खी मच्छर होंगे और वहाँ से फिर जो है डिजीज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। सन का एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसी जगह आपको डेयरी फार्म बनाना है जहाँ से मार्केट पास हो, क्योंकि आपको मिल गया कि पेरिसेबल चीज़ है, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपको दिन में दो बार मार्केट को एक्सेस करना पड़ेगा, चारा बाटा भी पहुंचाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा वाटर सप्लाई आपको रेगुलर वहाँ, क्योंकि पानी की आपको रिक्वायरमेंट जो है लगातार, जानवर को पिलाने में, उसको बातिंग करवाने में और फीड खिलाने में और भी चीज़ों में, साफ़ सफाई में जो है आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। सराउंडिंग्स आपको अच्छी मिलनी चाहिए, लेबर आपको इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि आप कहीं डेयरी फार्म खोलें, लेबर जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए, मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और फैसिलिटी, लेबर, फूड। तो ये सब चीज़ें जब आप डेयरी फार्म के लिए किसी साइट को देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें अच्छे से मिलनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आती है कि आप ओरिएंटेशन कैसे बनाएंगे। तो ओरिएंटेशन दोस्तों, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको डेयरी फार्म की लॉन्ग एक्सिस रखनी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों रखनी है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी में जो है ऊपर से जो है वो बिल्कुल निकलेगा, तो गर्मी के दिनों में जो है आपको जब सन, इसके जो डेयरी फार्म है उसमें सनलाइट अंदर चली जाएगी, मतलब सुबह और शाम की सनलाइट जो है आपको मिलेगी और दिन में जो है वो आपको सनलाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जो कि गर्मी के दिनों में आपको चाहिए भी नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ सनलाइट जो है राजस्थान में होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है। और विंटर में वही सनलाइट जो है आपको दिन में मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सन का पात होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, थोड़ा दूर होगा पृथ्वी से, तो जो सनलाइट आएगी वो थोड़ी तिरछी आएगी। तो आप देख सकते हैं सर्दी में फिर जो है सनलाइट की जो है वो दिन भर एंट्री जो है वो मिलेगी। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको लॉन्ग एक्सिस जो है वो मेंटेन रखनी है हमेशा आपके डेयरी फार्म की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आप जब डेयरी फार्म बना रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जो है आपको उसकी लॉन्ग एक्सिस जो है वो रखनी है। दोस्तों इसके बाद लूज हाउसिंग की बात करें, हमने देखा जो इंटेंसिव हाउसिंग है दो प्रकार की होती है, लूज हाउसिंग और कन्वेंशनल हाउसिंग। तो लूज हाउसिंग जो है ये हम जो हमारे जो बेसिकली बाड़े हैं गांवों के अंदर वहाँ पर हम देखते हैं, और इसमें आप जो है आराम से जैसा मैंने बताया कि जानवर जो है आराम से नेचुरल कंडीशन में रहता है, खुला हुआ रहता है, और केवल मिल्किंग के समय और ट्रीटमेंट के समय जो है जब आपका एक पर्टिकुलर उद्देश्य उसको सोल्व करने के लिए उस जानवर को बांधा जाता है, अदरवाइज जानवर जो है वो खुला रहता है। और इसमें एक कॉमन ही मेंजर रहेगा वाटर भी जो है, खेली जिसको हम कहते हैं, एक खेली होती है और एक होता है, वहीं पर जानवर सारे जानवरों के लिए कॉमन ही मेंजर हो। एक्सटेंशन जो होता है लूज हाउसिंग में आप आसानी से कर सकते हैं, वहीं कन्वेंशनल हाउसिंग अगर आपने 50 जानवरों के लिए बनाया है तो फिर 50 से आप जैसे 51 लाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये लूज हाउसिंग को एक्सटेंशन करना जो है थोड़ा सा आसान है, लागत यहाँ कम है, इसलिए गाँव में जो है लूज हाउसिंग बेसिकली देखने को मिलता है। कन्वेंशनल की हाउसिंग की बात कर लें, जहाँ जानवर को जो है पूरा कन्फाइंड रखा जाता है, बांधा हुआ रखते हैं जानवर को, एक प्लेटफॉर्म पे जानवर को बांधा हुआ रखते हैं और उसको गले में जो है एक साकल लोहे की चेन या रस्सी से जो है हम फिक्स कर देते हैं जानवर, उसके बाद जो है वो हिलता नहीं और वहीं पर ही जो है जानवर की मिल्किंग भी जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं रूप जो है वो पूरे तरीके से जो है कवर्ड रहता है, साइड वॉल जो होती है वो भी पूरी क्लोज होती है, और विंडो और वेंटिलेटर यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि जो वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर वो प्रॉपर यहाँ पर हो सके। तो काफ़ी बड़े एग्जॉस्ट वहाँ लगाए जाते हैं, विंडोज बनाई जाती है ताकि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, और लाइटिंग जो है वो आसानी से, सनलाइट जो है उसका एक्सपोजर जो है आसानी से अंदर हो सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल हाउसिंग आप देख रहे हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जानवर जो है 24 आवर्स जो है एक ही जगह जो है वो उसका पर्टिकुलर स्पेस पे ही वो स्टैंडिंग अवस्था में रहता है और यहीं पर उसकी मिल्किंग की जाती है, तो ये कन्वेंशनल हाउसिंग कहलाती है। अब यहाँ पर हम एक जानवर के लिए सबसे पहले स्पेस की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही है
ये मीटर स्क्वायर में है, मतलब लंबाई चौड़ाई जो है उसको मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। तो कैटल के केस में 3.5 मीटर के आसपास जो स्पेस चाहिए एक जानवर के लिए, और इसमें कवर्ड एरिया इतना और ओपन एरिया 7 मीटर स्क्वायर के आसपास चाहिए। और बफेलो के केस में आधा मीटर जो है बढ़ जाता है, 4 और 8 की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। कवर्ड जो एरिया होगा वो 4 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा और ओपन एरिया जो है वो 8 मीटर स्क्वायर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और फीडिंग और वाटरिंग स्पेस की बात करें एक एनिमल के लिए तो 75 सेंटीमीटर पर एनिमल जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक पेन में आप जो है 50 जानवर के आसपास जो है वो रखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बाड़ा जो एक पेन जो आप बना रहे हैं उसमें 50 एनिमल पर पेन जो है आप रखेंगे। इसके बाद शेड की बात कर लें, जैसे ये टेल टू टेल सिस्टम दिया हुआ है तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मिड पॉइंट से हाइट है ये 4.5 मीटर के आसपास है। जो ज़मीन से हाइट है मिड पॉइंट की शेड की वो 4.5 मीटर के आसपास है, और साइड में आप देख रहे हैं 2.5 मीटर के आसपास जो है ये हाइट है। और जो आप स्लांट हाइट जो ले रहे हैं वो 2.5 मीटर के आसपास जो है ये बेसिकली देखने को मिलता है। और स्टैंडिंग स्पेस की बात करें एक जानवर के लिए तो ये 1.5 मीटर के आसपास है दोनों तरफ, 1.5 मीटर के आसपास, और बीच में आप देख रहे हैं ये एली है जहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ाई है। और बीच में जहाँ पैसेज आपको देना है ये 2 मीटर के आस 1.8 मीटर लगभग 2 मीटर का जो स्पेस है वो हम देंगे, जहाँ से आप एक पैसेज कॉमन पैसेज होगा जो इधर भी होगा और इधर के जानवर को ऑब्जर्व करेगा और इधर के जानवर को भी ऑब्जर्व करेगा। एक टेल टू टेल सिस्टम आपके सामने दिखाया गया है। और यहाँ पर जब जानवर आप देख रहे हैं कि ये मेंजर की जो है वो लेंथ है 0.7 मीटर के आसपास, तो ये आपको इम्पोर्टेंट आप जितना बना सकते हैं मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि 4.6 मीटर के आसपास जो है वो हाइट रखनी है और 1.5 मीटर के आसपास जो है आपको जानवर का स्पेस दिखाना है। आप टेल टू टेल वहाँ बना सकते हैं या हेड टू हेड भी जो है वो बना सकते हैं। तो हेड टू हेड में फिर जो होगा वो मेंजर वाली जो जगह है वो यहाँ आ जाएगी और जो ये है ड्रेनेज के लिए वो दोनों तरफ बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें हम टेल टू टेल सिस्टम की, तो ये टेल टू टेल सिस्टम आपको दिख रहा है जैसा मैंने बताया कि एक ड्रेनेज के लिए जगह छोड़ी हुई है और एक कॉमन पैसेज जो है वो दिया हुआ है। तो कॉमन पैसेज आपको देखने को मिल रहा है, मयंक कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश जी हमारे साथ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कितनी जी सर। ओरिएंटेशन ऑफ फार्म, ओरिएंटेशन ऑफ फार्म बताया सर मैंने कि नॉर्थ सॉरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको उसका लॉन्ग एक्सिस जो है वो रखना है। तो ये राजस्थान और जितने हॉट स्टेट हैं राजस्थान MP UP हरियाणा जहाँ ज़्यादा गर्मी 10 महीने तक रहती है तो वहाँ पर ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेल टू टेल सिस्टम आपको दिख रहा है दोस्तों, जहाँ एक जानवर के जो टेल है वो दूसरे जानवर की टेल के सामने आ रही है और ये कॉमन पैसेज एक रहता है और ड्रेनेज की पॉसिबिलिटी यहाँ से रहती है, और जो मेंजर है जहाँ उसको खाना रखा जा रहा है वो दोनों तरफ जो है वो देखने को मिलता है। इस वाले में 2-3 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है वो टेल टू टेल सिस्टम में देखने को मिलेगा कि किसी जानवर को अगर रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया रिलीज हो रहे हैं, वायरस रिलीज हो रहे हैं तो वो बाहर की तरफ जाएंगे, दूसरे जानवर के पास नहीं जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप मिल्किंग का सुपरविजन जो है वो यहीं से खड़े होके, दूर खड़े होके आराम से इस तरफ भी और इस तरफ भी जो है आराम से मिल्किंग का सुपरविजन कर सकते हैं। क्लीनिंग वो देख सकते हैं, एनिमल जो हीट में है वो आराम से आपको एक जगह खड़ा होकर पता लग जाएगा, और एनिमल को भी जो बाहर की तरफ वेंटिलेशन है तो फ्रेश एयर जो है वो आराम से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे फीडिंग के लिए आपको दोनों तरफ जो है चारा या बाटा जो है दोनों तरफ डालना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो स्पेस होगा यहाँ पर सनलाइट पहुँचना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पर सनलाइट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये टेल टू टेल सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान दोनों मैंने आपको बता दिए, और हेड टू हेड सिस्टम जो है ये आपको अब दिख रहा है। तो
इसमें आपको आप वही चारा और बाटा जो है आसानी से एक बार में डालेंगे तो दोनों जानवरों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे एक जानवर में अगर इन्फेक्शन है तो दूसरा जानवर उसके सामने, उसके फेस के सामने, उसके हेड के सामने है, तो यहाँ से अगर जानवर छींकता है या रेस्पिरेशन लेता है तो वो सामने वाला जानवर जो है उससे इन्फेक्ट होने की संभावना जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, और ये थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है फेस टू फेस सिस्टम, लेकिन यहाँ पर वही मिल्किंग सुपरविजन डिफ़िकल्ट होगा, हीट में जानवर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हेड टू हेड के केस में। तो दोस्तों ये था टोटली हाउसिंग के बारे में। और दोस्तों अब बात करते हैं हम डेंटिशन और एजिंग के बारे में। तो डेंटिशन और एजिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कैसे एज का जो है वो पता लगाएंगे। तो एज की सबसे पहले बात कर लें तो अगर रिकॉर्ड कीपिंग, अगर जो डेयरी फार्म है उस पे अगर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो आप उसको चेक करके जो है वो रिकॉर्ड देख के पता लगा सकते हैं कि ये इसका डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट में इसका ये उम्र जो है वो हो चुकी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छे अगर साइंटिफिक फार्म है, डेयरी फार्म है, और आजकल इनाप और भारत पशुधन ऐप में जो है हर दिन जो है जो हमारे वेटनरी इंस्टीट्यूट्स में कार्यकर्ता हैं, पशुधन निरीक्षक है और डॉक्टर जो है, वेटनरियन जितने हैं और पैरा वेटनरी स्टाफ जो है वो लगातार पशुपालक के घर जाके जो है काप की जो है ऑनलाइन डिटेल नोट करता है कब जानवर जो है उसका बर्थ हुआ। तो आप इनाप और भारत पशुधन ऐप आने पे जो है ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। तो रिकॉर्ड कीपिंग एक बेस्ट ऑप्शन है अगर वो फॉल्स तरीके से, झूठे तरीके से जो है प्रोड्यूस नहीं किया गया। इसके अलावा फिजिकल अपीरियंस देख के, जैसे आई जो है बूढ़े जानवरों में अंदर चले जाते, थोड़ा रिंकल्स का वो होता है, स्किन कोड जो है इतना ज़्यादा ग्लोसी नहीं होता, इतना ज़्यादा चमकता नहीं है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो फिजिकल अपीरियंस जो है उससे आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रिंग से, हॉर्न में जो रिंग पाई जाती है वो 3 साल पे पहली बार अपीयर होती है, तो आप N+2 का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको 4 रिंग देखने को मिली है, तो N=4 हो गया, तो 4+2 मतलब 6 ईयर के आसपास जो है एनिमल का जो है वो एज जो है वो हो गया। तो ये इतना ज़्यादा पुख्ता जो है मेथड नहीं है, ये ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है, और ये अगर आपको अप्रोक्स एज निकालनी हो तो उस केस में आप जो है वो काम में ले सकते हैं। फॉर्मूला आप देख रहे हैं N+2 जो है, जहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ हॉर्न रिंग जो है वो होता है, और जो सबसे ज़्यादा मेथड काम में लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन अभी फील्ड के केस में वो लिया जाता है डेंटिशन, दांतों को, और दांत भी कौन से, लोअर इंसाइजर, जो हम नीचे के इंसाइजर होते हैं, जो सामने वाले दांत होते हैं जो पकड़ने काम करते हैं वो हम काम में लेते हैं, लॉन्ग नीचे लोअर इंसाइजर जो है उनकी काउंटिंग करके ही हम जो है इनको पता लगाते हैं। यहाँ पर कैनाइन से कोई काम नहीं है, प्री मोलर और मोलर का भी जो है वो कोई काम नहीं, केवल हम बात करते हैं इंसाइजर की। और आपको पता है रूमिनेट्स में जो है वो अपर इंसाइजर वहाँ पर क्या होता है, एबसेंट होता है, मतलब अपर इंसाइजर जो है वो 0 होता है, तो इसलिए जो है आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कौन से टीथ देखेंगे, इंसाइजर मतलब सामने वाले जो टीथ होते हैं उनको देख के आप पता लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको हॉर्न रिंग के लिए जो है वो कि हॉर्न रिंग के केस में आप काउंटिंग कर सकते हैं कि हॉर्न रिंग जो है वो इतनी है, इसके बाद उसमें +2 जो है ऐड करके एक आइडिया ले सकते हैं कि ये एनिमल जो है वो रहेगा। इसके बाद आप डेंटल फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो ये जो दिया हुआ है सबसे पहले इंसाइजर का नंबर, देन कैनाइन, देन प्री मोलर और मोलर, जो ऊपर वाले टीथ, ऊपर वाले जबड़े में, ऊपर वाले जो में उसका नंबर ऊपर दिया हुआ है, और जो नीचे दिया हुआ है वो लोअर जो जो है वो दिया हुआ। तो इंसान के इसमें तो 21-23 इसका फॉर्मूला होता है, 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल जो है ये 32 टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। हॉर्स के केस में आप जो है 31-43 अपॉन 31-33, 31-33 अपॉन 31-33 आपको मल्टीप्लाई बाई 2 हॉर्स के केस में देखने को मिलता है। काउ के केस में जो है वो
ये आप जो मैं जिक्र कर रहा था कि काओ में जो है वो अपर इंसाइजर बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ डेंटल पैड होता है, मतलब वहाँ जो इंसाइजर का टीथ है वो बिल्कुल जीरो होते हैं। काऊ में जो है कैनाइन्स अपर और लोअर दोनों ही एबसेंट होते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 0033/4033, मतलब 0033/40/33। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको देखना होता है कैटल के केस में। इसके अलावा आप बात करें शीप के केस में, तो ये सेम फॉर्मूला होता है जो कैटल के केस में, मतलब 0033/40/33। फिक के में ये जो है 31/43/41, और डॉग के केस में जो है ये 31/42/41। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इंसाइजर के नंबर ऊपर तीन है, ऊपर की जो में नीचे की में जो है वो तीन है। केनाइन ऊपर एक है नीचे एक है, प्री मोलर ऊपर चार है नीचे चार है, और मोलर जो है ऊपर दो है नीचे तीन है, और इसको मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब ये एक तरफ का पोर्शन दिखाया गया है लेफ्ट साइड या राइट साइड का, इससे आपको मल्टीप्लाई बाय टू करना है। और यदि कैमल के केस की बात करें तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 21/23/41/13। तो टोटल जो है 34/34 टीथ जो है कैमल के केस में पाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। अब फुल माउथ कंडीशन, मतलब जानवर में सारे परमानेंट जो टीथ हैं वो कब अपीयर होंगे, तो आप देखते हैं शीप केस में 4 साल पे, हॉर्स में 4.5 साल पे, कैटल बफेलो की हम बात करें या गोट की बात करें तो 5 साल 5.5 साल के आसपास, और कैमल में जो है उसमें 7 साल में फुल माउथ कंडीशन, मतलब सारे जितने भी परमानेंट टीथ हैं वो आ जाएंगे। दो प्रकार के टीथ होते हैं दोस्तों, एक मिल्की टीथ जो शुरू में आते हैं दूध के दांत, जिनको हम आर्म नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं दूध के दांत, और उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। तो जो जितने परमानेंट टीथ उस स्पीसीज में आने वो कब अपीयर हो जाते हैं, तो आप कैटल बफेलो केस में 5 से 6 साल के 5.5 साल के आसपास जो है ये आपको जो है इंसाइजर देखने को मिलेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ब्रोकन माउथ, मतलब एक से ज़्यादा या एक टीथ अगर टूट गया है तो वो कहलाता है ब्रोकन माउथ। और गमर हम जब कहते हैं जब जानवर के सारे टीथ जो हैं वो निकल गए हों, मुझसे जबाड़े से टूट गए हों, तो वो कहलाता है गमर। और चिक टीथ जो गाल के अंदर की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं प्री मोलर प्लस मोलर, ये कहलाते हैं चीक टीथ। यहाँ आप देख सकते हैं साथ में डायग्राम, ये ऊपर की तरफ जो है इंसाइजर जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो और यहाँ पर लोअर इंसाइजर जो है उससे आपको एज का पता लगाना। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं केनाइन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, केनाइन एबसेंट है, और ये फिर जो है ये प्री मोलर है और ये मोलर है, तो तीन टीथ जो है वो मोलर है और तीन टीथ ही जो है वो प्री मोलर है। तो ये आप देख सकते हैं कैटल बफेलो में आप देख सकते हैं, और इंसाइजर आपको केवल नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, ऊपर जो है डेंटल पैड होता है, मतलब इंसाइजर जो है वो एबसेंट होता है। तो आपको यही चीज़ देख के जो है लोअर इंसाइजर देख के ही आपको जानवरों में उम्र की गणना करनी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डेंटल पैड मैंने बताई दी आपको कि यहाँ पर इंसाइजर एबसेंट होना क्या कहलाता है, डेंटल पैड। और गैल्वेंस ग्रूव की हमने बात करी थी घोड़े के केस में, कि आपको एज डिटर्मिनेशन अगर हॉर्स के केस में करना है तो आप गैल्वेंस ग्रूव से करेंगे। डेंटल स्टार एक चीज़ होती है जो जब सेंट्रल पल्प कैविटी होती है इंसाइजर की, इस पर कोई मार्क बन जाए तो उसको डेंटल स्टार बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डेंटिशन के केस में। और इसके बाद आप देखते हैं कि कब कब कौन सा दांत जो है वो अपीयर होता है। तो जैसे हम फॉर्मूले में देख के आए हैं कैटल के केस में कि यहाँ पर इंसाइजर कितने आते हैं दोस्तों, 4 इंसाइजर, मतलब 4 पैर की बात हो रही है। तो 4 पैर जब कब कब आते हैं, 2 साल की उम्र तक जानवर में मिल्की टीथ होते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 से 3 साल में आप देख सकते हैं 2 परमानेंट इंसाइजर, मतलब फर्स्ट पैर जो है वो आने लग गया है, इसको हम पिंसर बोलते हैं। जो सामने वाले इंसाइजर आते हैं इनको हम बोलते हैं पिंसर। फिर 3 साल पे आप 3 ईयर पे देख सकते हैं जो 2 इंसाइजर हैं वो आने लग गए, ठीक है दोस्तों। जो पिंसर है उनके साइड में एक एक टीथ जो है वो और आ गया। 4 ईयर पे आप देख सकते हैं 3 मतलब 6 परमानेंट इंसाइजर जो है आपको देखने को मिलेंगे, सेकंड इंटरमीडिएट, और 5 साल पे जो है आपको 8 परमानेंट इंसाइजर जो है वो देखने को मिलेंगे, उनको बोलते हैं कॉर्नर इंसाइजर। तो
तो ये चीज़ हम देख के आए कि ये देखिए कैटल और बफेलो के कैसे 5 साल की जब उम्र हो जाएगी तब उसके चारों इंसाइजर जो हैं वो आ जाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी बता रहे हैं कि 5 साल की उम्र पे 8 परमानेंट टीथ जो हैं वो चारों इंसाइजर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और जब 6 साल के आसपास जानवर होता है, 6 साल से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो फिर जो है जो पस्ट आया जैसे 2 साल में अपीयर हुआ उसका वियरिंग स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा घिसने लग जाता है और थोड़ा सा जो है वो डीके दिखने लग जाता है, थोड़ा येलोइनेस उसमें आने लग जाती है। जो सबसे पहले है उसमें सबसे पहले येलोनेस देखने को मिलेगी, वो सबसे पहले घिसना स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद सेकेंड पिंसर जो होते हैं, फिर इंटरमीडिएट और फिर कॉर्नर, ऐसे जो है ये घिसना चालू होता है। 12 साल के आसपास जो है आपको कुछ टीथ जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे या टूट जाएंगे और ट्रायंगुलर जो है वो टीथ जो है वो बन जाएंगे। फोटोग्राफ से समझे तो दोस्तों, तो पश इंसाइजर जैसे मैंने 2 साल के आसपास बताया, और ये फुल डेवलपमेंट अपना फुल आकार कब ले लेंगे, 3 साल के जब ये हो जाएंगे तब ये फुल अपना आकार ले लेंगे। और वियर मतलब घिसना कब स्टार्ट होंगे, 6 साल के आसपास जब उम्र हो जाएगी, 6 साल से थोड़ी से ज़्यादा, तो आपको जो है वो ये जो पश्च इंसाइजर सबसे पहले डेवलप हुए हैं ये देखिए आप, ये आप जो है देख सकते हैं सबसे पहले घिसना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिसेबल वियर एट 7 to 8 ईयर। तो सेकेंड इंसाइजर वो 3 साल के आसपास, 3 इंसाइजर जो 4 साल के आसपास, और चौथा इंसाइजर जो 5 साल के आसपास जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये साथ में आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट परमानेंट है और ये सेकेंड डेथ है, तो ये दोनों मिला के हम इंसाइजर जो है फर्स्ट पेयर यहाँ पर उम्र जो है वो हमने फुल डेवलपमेंट में 3 साल के आसपास जो है वो मानी, 2.5 से 3 साल के आसपास जब ये दोनों टीथ आ गए और बाकी ये मिल्की टीथ आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे जब ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पेयर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पेयर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर पेयर जो है वो आ गया। तो ऐसे जो है आप बिल्कुल एज का जो है वो एग्जैक्ट अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल अपीरियंस भी थोड़ी सी आपको उस दौरान जो है वो देखनी होती है। तो आप जैसे माउथ ओपन करेंगे आप ये काउंटिंग करके जो है एज का जो है वो डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और जब से मुख्यमंत्री की अभी कामधेनु योजना है और जितने भी बीमा आपको करने हैं, पोस्टमार्टम के दौरान आपको एज डिटरमाइन करनी होती है, जब भी एनिमल की खरीद फरोख्त की जाती है, परचेजिंग की जाती है, अब उसको बाय किया जाता है, बेचा जाता है, तब आपको उसकी एज जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो आपको ये इंसाइजर का जो रोल है ये सही से पता होना चाहिए कि कब कौन सा जो है अपीयर हो रहा है, मिल्की टीथ और मिल्की टीथ आ रहा है या परमानेंट टीथ आ रहा है, और कितने परमानेंट टीथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं सामने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है वो दिखाई हुई है फर्स्ट, ये आप देखिए फर्स्ट इंसाइजर का पेयर आपको देखने को मिल रहा है 2.5 से 3 साल के आसपास, 30 से 32 महीने के आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये अपीयर होने लग जाता है 3 साल के आसपास, फिर दिखा रहे हैं 4 से 5 साल में फुल जो है ये हो गया, और फिर ये जो है 6 साल के बाद जो है थोड़ा सा ये घिसाई चालू हो गई, और 10 साल के आसपास वियरनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी होती। इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों केयर एंड मैनेजमेंट की। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली बोर्न का, आपकी आज किसी बछड़े का अगर जन्म हुआ है या अभी हुआ ही है, माँ से बछड़ा डिलीवरी हुई है, तो आप सबसे पहले उसका क्या केयर और मैनेजमेंट करेंगे। तो जो फील्ड लेवल पे देखते हैं सबसे पहले तो जानवर जो डिलीवर हुआ है उसकी नेवल कॉर्ड को जो है हम कट करते हैं सबसे पहले, और उसको कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ से कट करें जिससे इन्फेक्शन जो है वो ना फैले, और 2 इंच कम से कम हम रखते हैं बछड़े की तरफ, 2 इंच के आसपास जो लेंथ है नाल की वो रखी जाती है ताकि ज़्यादा मिल्क जो है वो बछड़े के पास जो है वो अवेलेबल रहे, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, इसके बाद जैसे ही बछड़ा डिलीवर होता है चारों तरफ म्यूकस जो है वो लगा हुआ रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो काफ है उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं, जो रेस्पायरी ट्रैक्ट है, उससे जो जितना भी म्यूकस है वो रिमूव किया जाए, थोड़े पीछे वाले पैरों को जो है हम ऊपर भी उठाते हैं ताकि जो रेस्पायरी ट्रैक्ट है वो पूरा क्लीन हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का म्यूकस जो है वो जमा ना रहे, और एनिमल जो काफ पैदा हुआ है वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर सके। इसके बाद
जो एक चीज़ और जानवर को जो है हम जब आपको लगता है रेस्पिरेशन प्रॉपर हो गया तो उसके बाद हम जानवर को जो है वो माँ के पास रख देते हैं, माँ के माउथ की तरफ रख देते हैं ताकि वो उसको लिक कर सके, अच्छे से चाट सके। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, माँ को बछड़े से जो मातृत्व भावना जो जनरेट होनी है वो इसी दौरान होती है। और ये जब उसको लिक करती है तो उसको पता लगता है ये अपना हमारा मेरा ही बछड़ा है। और जो मातृत्व भावना जनरेट होनी चाहिए जो दूध उत्पादन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज होना, वो इसी दौरान जो है लिकिंग करेगी, जब ही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और मातृत्व भावना वो डेवलप होगी और वो लंबे समय तक पशुपालक को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो लिक करके एक तो पूरे एनिमल को क्लीन कर देती है, काप को क्लीन कर देती है और फिर जो है मातृत्व भावना भी वहाँ पर जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद आप जो अडर और हिंड क्वार्टर आप एनिमल का देख रहे हैं, जो माँ है डैम है उसको हम जो है वो जो हाइंड क्वार्टर वाला एरिया उसको पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन हम देखेंगे 12 घंटे के अंदर जो है वो डिलीवर होना चाहिए। इसके अलावा 30 मिनट के अंदर जानवर जो है वो बछड़ा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कोलेस्ट्रम पीने की जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेट होता है 3 से 4 दिन तक डिलीवरी होने के बाद जो मेमरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो फर्स्ट 3 से 4 दिन जो है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। और वो कोलेस्ट्रम जो है बछड़े को पिलाना जो है बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो पैदा होने पे जो है वो ध्यान रखनी है। तो हम वन बाय वन जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अडर और हेड क्वार्टर को सबसे पहले क्लीन करने का, म्यूकस रिमूवल फ्रॉम द फेस एंड नोस्टिल्स, और काप को मलाउ करते हैं कोलेस्ट्रम को सक करने के, नेवल कोड का लाइगेशन करते हैं और प्लेसेंटा का एक्सपेलेंशन का जो है हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद जो क्लीन वाला मैंने बताया आपको कि लिक करने का, कि मदर जो है उसके बछड़े को लिक करके जो है क्लीन करती है ताकि वो मातृत्व भावना वो माँ और बछड़े के बीच में जो संबंध होना चाहिए माँ बछड़े का वो डेवलप हो सके। और नेवल कोड को जैसे मैंने बताया 2 इंच बछड़े की तरफ से जो दूर जो है जितना हम काट सकें स्टरलाइज कंडीशन में उसको काटते हैं। और उसके बाद जो नेवल कोड है उसको हम डिप करते हैं स्टरलाइज सॉल्यूशन में ताकि जो है कोई इन्फेक्शन वहाँ से जो है वो ना हो पाए। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट मिल्क जो सिक्रेट होता है डिलीवरी के बाद वो 3 से 4 दिन तक जो सिक्रेट होता है तो वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रम और जो नॉर्मल मिल्क है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। कलर का डेफिशिएंसी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है, गाढ़ा जितना कोलेस्ट्रम होता है उतना मिल्क नहीं होता है। और जो गांव वाले लोग हैं वो कोलेस्ट्रम को 3 से 4 दिन बाद जब दूध गर्म करते हैं अगर कोलेस्ट्रम की वहाँ प्रेजेंस है तो सबसे पहले जो है म्यूकेनियम मतलब जो फर्स्ट मल जो वहाँ एक्यूमुलेट हुआ है जो इंटेस्टाइन में बछड़े की में 9 महीने 10 महीने जो जो माँ के गर्भ में रहा है और जितना भी एस्केटरी जो पदार्थ है वो जैसे आप कोलेस्ट्रम पिलाएंगे तो बछड़े के शरीर से वो बाहर निकलेंगे। तो ये म्यूकोनियम निकालने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कोलेस्ट्रम। इसके अलावा इससे मिनरल विटामिन्स ए जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, टोटल सॉलिड ज़्यादा होता है, गामा ग्लोबिन जो उसको रोगाणुओं से जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन है उससे लड़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा सहायता करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है जो रेडीमेड मास हैं कोलेस्ट्रम के थ्रू बछड़े में पहुँचाई जाती है। पिलाते कब हैं तो ये 15 से 30 मिनट में शुरू में पिलाना चाहिए, इसके बाद 10 से 12 घंटे में आप इसको सेकेंड डोज जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद कितना देना चाहिए ये एक इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग जो हैं पशु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अपने तो ये काम आएगा नहीं मिल्क है ना, क्योंकि गर्म करते हैं तो फट जाता है, तो जितना होता है उतना है बछड़े को पिला देते हैं। इतना नहीं करना है आपको, उसके 10% ऑफ बॉडी वेट मतलब 35-40 किलो के आसपास जो है बछड़े का बॉडी वेट होता है तो 3-3.5 लीटर जो है आप उसको 24 घंटे के अंतराल में जो है वो पिला सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आप उसको दें। इसके बाद आप जो है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको किसी अगर आपके वहाँ नौकर काम कर रहे हैं आप बड़ा फार्म है तो आप कोशिश करें कि आप उसको हैंड फीडिंग कराएं, मतलब खुद ध्यान रख के जो है जानवर को कोलेस्ट्रम की पूर्ति जो है वो कराएं। इसको पासपोर्ट टू लाइफ भी जो है
बहुत सारे राइटर जो हैं वो लिखते हैं कि ये पिलाना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद डीवर्मिंग, इसके बाद जब बछड़ा फर्स्ट वीक 6 से 7 दिन का हो जाता है, 5 से 6 दिन के आसपास, तब आप उसकी डीवर्मिंग कराइए। और सबसे पहले आप पाइपराजिन जो साल्ट आता है डीवर्मिंग कराने के लिए, उससे करवा सकते हैं ताकि एस्केरियासिस का इन्फेक्शन जो है वो ना हो। उसके बाद हर महीने हर 30 दिन पे आपको उसका डीवर्मिंग कराना, मतलब पेट के कीड़ों की दवाई देनी है ताकि पेट में किसी प्रकार के कीड़े पैरासाइट जो हैं वो बेसिकली ना हो। वो चाहे एस्केरियासिस हो, चाहे वो फ्लूक्स हो, फ्लूक वर्म हो, वो किसी प्रकार का जो है वो जैसे पटाटे पड़ना जो हम कहते हैं वो नहीं पड़े। और इसके बाद जो है लास्ट शुरू के 6 महीने तक आपको हर महीने देना, उसके बाद हर 3 महीने में आपको जानवर को जो है वो डीवर्मिंग करानी। ओवरडोज और अंडरडोज आप डीवर्मिंग की कभी भी ना करें, 3 महीने से पहले भी रिपीट ना करें, 3 महीने से ऐसा नहीं कि आप 5 महीने तक निकाल रहे हैं, तो फिर जो है जो एनिमल का गेस्टेशन जो रहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा, और आप जो खिलाओगे वो जानवर के शरीर को ना लग के जो फिशेज वो करेगा उसमें निकल जाएगा, वो पैरासाइट के काम जो है जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हो वो पैरासाइट के काम आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको डीवर्मिंग जो है समय पे करवाना है। इसके बाद आप डिसबर्डिंग की बात कर लें। डिसबर्डिंग जो है ये 15 से 20 दिन की जब उम्र हो जाती है बछड़े की, तो जहाँ से हॉर्न बनना है, जिस सेल से हॉर्न बनना है, उस बर्ड को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए आप या तो केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या हॉट आयरन जो है मतलब लोहे को गर्म करके, आजकल इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर आ गए, इलेक्ट्रिकल डिसबर्डर आ गए जिनका टेम्परेचर 10,000 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, गर्म हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से, और जो हॉर्न जो आप देख रहे हैं यहाँ से ग्रोथ होगा यहाँ पर आप लगा देते हैं, और जो हॉर्न बनना है जिस बर्ड से उस सेल को नष्ट कर देते हैं, तो आगे चल के हॉर्न जो है वो नहीं बन पाते। करते क्यों है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, दूसरा हॉर्न कैंसर होने की संभावना जो है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा आता है, जैसे चौक आती है बोर्ड पे लिखने के लिए, वैसे चौक आपको कास्टिक पोटास की मिल जाती है, तो आप अगर वो कास्टिक होता है सेल को जलाने का काम करेगा, तो आप जैसे ही इस बर्ड पे लगाएंगे जहाँ से बनना है हॉर्न, तो उस सेल को जो है वो नष्ट कर देगा। तो ये करने के पहले आपको यहाँ पर एक वैसलीन जो है आइज के आप चारों तरफ जो है वो लगा देंगे, ताकि जो है वो किसक के जो है आइज पे ना आ जाए और आइज की जो सेल है उसको ख़त्म ना कर दे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जो है उसको रब तब तक करेंगे जब तक जो है ब्लीडिंग, थोड़ी सी ब्लीडिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको जो है वो करना है। और इसके अलावा यहाँ जितने हेयर हैं वो आप जो है पहले रिमूव कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें डिसबर्डिंग में आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और एज आप जो है 15 से मतलब 3 सप्ताह पे जो है आप डिसबर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद केस्ट्रेशन आपको 3 महीने के आसपास की जब उम्र हो जाती है, 3 महीने से 6 महीने के बीच में, तो आप जो है केस्ट्रेशन कैरीड आउट कर सकते हैं। केस्ट्रेशन मतलब नपुंसक बनाना, जो टेस्टीज हैं उनको नष्ट करना किसी भी तरीके से, तो केस्ट्रेशन कैरीड आउट किया जाता है। और करते क्यों हैं, सबसे पहले एनिमल को डोसाइल बनाने के लिए, कि एनिमल जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव ना रहे, जो मालिक ऑर्डर दे, जो ओनर ऑर्डर दे उसको माने। इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग को रोकने के लिए आप नहीं चाहते कि इस एनिमल से आप संतति पैदा हो, तो इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग को आप रोक सकते हैं, और जेनेटल डिजीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा जैसे बकरे में आप कैस्ट्रेशन कैरीड आउट करते हैं, क्यों करते हैं, कि वहाँ पर जो है आपको जो मीट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव रखनी है। अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टिस काम करेंगे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, तो वो जो टेंट है वो मीट में देखने को मिलती है, और फिर मीट की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। तो आपको जब मीट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो आप भी जो है कैस्ट्रेशन कराते हैं, या बॉडी वेट जो है वो अगर कम समय में ज़्यादा गेन करना है, तो आप जो है वो कैस्ट्रेशन कराते हैं एनिमल का। इसके अलावा एज की बात करें, तो 2 से 3 महीने से ऊपर जो है आप जो है वो करवा सकते हैं। इसमें क्लोज और इलास्ट्रेटेड मेथड काम में लेते हैं। क्लोज मेथड जो है वो बॉडी जो कैस्ट्रेटर से लिया जाता है, बॉडी जो कैस्ट्रेटर उसमें काम में लिया जाता है। आप साइड में फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये आप संडा से जैसा एक उपकरण है, ये आप ओपन करते हैं, और यहाँ से ओपन होने के बाद जो है इसको आप स्पर्मेटिक कोड में अप्लाई कर देते हैं, और स्पर्मेटिक कोड जो है ये क्रॉस हो जाती है बिल्कुल,
तो ब्लड सप्लाई जो टेस्ट इसको जारी है वो बिल्कुल टूट जाएगी और इसको दो जगह जो है क्रश किया जाता है स्पर्मेटिक कोड को, दो जगह क्रश करने पे स्पर्म जो ब्लड सप्लाई है वो टेस्टिस को नहीं जा पाएगी और ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी तो जो टेस्टिस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इसके अलावा स्पर्मेटिक कोड पे कुछ रबड़ बैंड भी जो है वो कुछ लोग लगाते हैं, काफ़ी पेनफुल मेथड है, लोग काम में जो है बहुत कम लेते हैं। और इसके अलावा बड़े लार्ज बॉडी जो भी आते हैं जो बड़े जानवरों में कैस्ट्रेशन करते के काम में लेते हैं, सबसे एफिशिएंट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, कोई इन्फेक्शन होने का डर या नहीं रहता। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको सर्दी के में जो विंटर सीजन चलता है तब कैरीड आउट करें तो ये अच्छा रहेगा, रेनी सीजन में इसको बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर फिर भी जो है आप सक्सेस रेट नहीं मिल रही है तो फिर जो है आप सर्जरी से जो है सर्जरी करके टेस्टिस को जो है वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ये कैस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा कार्प स्टार्टर जो है जब आप दो सप्ताह का होता है और ऐसे आप जो है पूरा मिल्क जो है वो खुद प्रोडक्शन में काम में लेना चाहते हैं और बछड़े को नहीं देना चाहते हैं कि जितना भी मिल्क हो वो ओनर को मिले, डेयरी वाले बेसिकली ऐसा काम करते हैं, पशुपालक आज भी जो है बछड़े के लिए दूध गाय में छोड़ता है कि वो आराम से अपना पेट भर सके। तो कार्प स्टार्टर या डेयरी फार्म वाले आप काम में लेते हैं, आप साइड में फोटो भी दे सकते हैं, बोविनो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, गोदरेज कंपनी जो है ये कार्प स्टार्टर बना रही है। इसमें इंग्रेडिएंट जो है इसमें बार्ले आता है 50%, ग्राउंडनट केक आता है 35% के आसपास, फिश मील आता है 10% और मिल मिक्सर जो है वो 2% के आसपास आता है। इसके अलावा इसमें मोलासेज रोवे मिक्स और साल्ट भी जो है वो मिलाया जाता है। ये फर्स्ट कंसल्टेंट मिक्स है जो आप बछड़े को खिलाने के काम में लेते हैं। और यदि इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो 75% TDN और 14 से 16% जो है वो DC भी देखने को मिलता है। TDN का मतलब है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, मतलब कुल पोषक तत्व, और 15% के आसपास DC भी मतलब डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में से वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट हो जाए और जानवर को आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं कार्प स्टार्टर में रेशो आपको मेंटेन करना पड़ता है, 75% TDN और 15% के आसपास DCP। एक टर्म और जो डेयरी फार्म में काम में ली जाती है वीनिंग, ये इंडिया में तो ज़्यादा देखने को मिलती नहीं, लेकिन जो डेयरी फार्म ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म और विदेशों में ये रहता है कि बछड़े को जो है बिल्कुल ही माँ से अलग कर दिया जाता है, वो कहलाता है वीनिंग। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले ये थोड़ा प्रचलन में आया था, लेकिन आप जैसे ही इंडियन जो देसी गायें हैं शाहीवाल गिर और जैसे ही आप बछड़े को अलग करते हैं उत्पादन जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है जानवर का, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता और फिर जो दूध बनना है वो नहीं बन पाता है, तो एक बड़ा रीज़न होता है। तो आजकल जो है ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर दी गई, इंडिया में पहले भी ये ज़रा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वीनिंग करवानी है तो बछड़े को आप तब तक वीन नहीं करवाएंगे जब तक उसका बॉडी वेट जितना होता है उससे डबल ना हो जाए, मतलब जैसे 35-40 किलो के आसपास बछड़े का वजन होता है जब पैदा होता है, तो 80 किलो के आसपास आप कोशिश करें जब तक उसका वजन ना हो तब तक उसको वीन ना कराएं। और जो बछड़ा है उसको अदर फीड पे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करके उसको कोशिश करेंगे कि आप उसको कार्प स्टार्टर पे शिफ्ट करें, मिल्क रिप्लेसर पे शिफ्ट करें, और 3 महीने के आसपास जब रूमन डेवलप हो जाए तो फिर आप उसको हरे चारे पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। रूमन जो है वो 3 महीने के आसपास ही डेवलप होता है, तो उससे पहले वो चारा बिल्कुल जो है वो नहीं खा सकता। इसके बाद आप मिल्क रिप्लेसर एक टर्म है, ये आप देख सकते हैं जीवन नाम से जो है ये देखने को मिलती है, और 10 दिन के आसपास 10 से 15 दिन के आसपास जो मिल्क रिप्लेसर आप चाहते हैं कि सारा मिल्क आपके ही काम आ जाए और बछड़े को ना पिलाना पड़े, तो आप मिल्क रिप्लेसर जो है वो बछड़े को दे सकते हैं। आजकल मार्केट में बने बनाए मिल्क रिप्लेसर, अदरवाइज आप जो है इसको घर पर भी बना सकते हैं, जैसे ड्राइड स्किम मिल्क पाउडर 50% के आसपास, ड्राइड वेज है 10 और नॉन मिल्क सोर्स जो है वो 40% के आसपास जो है आपको बनाना होता है। इसमें आप जो है विटामिन AE B12 जो है वो भी मिल्क मिक्स करते हैं, एंटीबायोटिक मिक्स करते हैं, और इसमें आप जैसे मिल्क पाउडर देखे होंगे आपने बच्चों के केस में, आजकल इंसानों में भी जो है वो रेडीमेड मिल्क पाउडर आते हैं उनको पानी में घोल के दूध बनाया जाता है, वैसे आप जो है मिल्क रिप्लेसर जो है काम में लेते हैं। इसमें मिल्क रिप्लेसर 1 पार्ट में और पानी गर्म पानी जो है 8 पार्ट में, ऐसे करके जो है इसका मिक्स बनाया जाता है और फिर बछड़े को जो है वो पिलाया जाता है आर्टिफिशियली,
माँ से दूध जो है वो बिल्कुल भी नहीं पिलाया जाता, तो ये मिल्क रिप्लेसर होता है। आजकल जीवन नाम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो एलपीएम से रिगार्डिंग थी। तो अब कुछ चीज़ों का, कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके क्वेश्चनों का जवाब देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप छोड़ सकते हैं। दामोदर खराड़े जी हमारे साथ है। गुड इवनिंग बॉस जी, गुड इवनिंग। रचना पूनिया, गुड इवनिंग सर जी एंड गुड इवनिंग पवन जी। क्वेश्चन मैसेज जी, गुड इवनिंग। और सर कोलेस्ट्रॉल कौन से टाइप की इम्यूनिटी मिलती है? तो आई थिंक इसमें जी इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी होती है, लेकिन क्योंकि बनी बनाई इम्यूनिटी जो है वो वहाँ से माँ से बन के जो है वो बछड़े को जो है वो मिल रही है, और इसमें वो देखने को मिलती है। इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बाकी का केयर एंड मैनेजमेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप सभी का जो जुड़े आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।